नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपनी चैनल दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ संकष्टी बहुला चतुर्थी व्रत की पूजा विधि और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। इससे पहले आप प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ रेड बटन पर क्लिक करेंगे तो बगल में बेल आएगी, बेल पर क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन आएंगे, ऑल पर क्लिक करना है ताकि सारे वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सकें। तो बहुला चतुर्थी, जिसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश बिहार में यह व्रत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, वहीं गुजरात में यह व्रत बहुला चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। दोनों की पूजा विधि में थोड़ा सा अंतर होता है जिसको मैं आपको बताऊंगी। पंचांग के अनुसार भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त दिन रविवार को 10:35 से होगा, जो अगले दिन 15 अगस्त को रात के 9:01 तक मान्य है। तो उदया तिथि के हिसाब से संकष्टी चतुर्थी या बहुला चतुर्थी का व्रत 15 अगस्त को रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रोदय का बहुत महत्व होता है, उसी के बाद व्रत का पारण होता है। तो जो चंद्रोदय होगा वह 15 अगस्त को रात के 9:27 पर होगा। उसके बाद पूजा के बाद चंद्र भगवान को अर्घ देने के बाद जो है, जो महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं वह अपने व्रत को तोड़ती हैं। तो इस तरह से ये थी तिथियाँ, आगे मैं पूजा विधि बताऊंगी, वीडियो के साथ बने रहिएगा। चतुर्थी का व्रत करने के लिए सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें और उसके बाद हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद चंद्रोदय के समय फिर पूजा की जाती है गणेश भगवान जी की। तो एक लकड़ी का पट्टा लें और उस पर इस तरह की गणेश जी की आकृति बनानी चाहिए, सिंदूर से आकृति बनानी चाहिए। आप चाहें तो गोल आकृति भी बना सकते हैं। उसमें हम सुपारी रखते हैं, सुपारी जी को गणेश जी मानकर हम रखते हैं। बहुत से लोग चांदी की सुपारी रखते हैं और उसे ही गणेश जी मानकर पूजा करते हैं। साथ में एक गोबर की गौरी माता बनानी चाहिए और उसी की हर साल पूजा करनी चाहिए, मतलब उसी सुपारी और उसी गौरा की पूजा हर साल करते हैं। तो वो आप उस पाटे पर रख दें। उसके बाद अक्षत, रोरी, सिंदूर, पुष्प, माला और साथ में आप फल फूल चढ़ाएं और पूजा करें। पूजा स्थल पर आप गणेश जी की प्रतिमा, मूर्ति या फोटो भी रख सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। इस दिन निर्जला व्रत रहा जाता है और चंद्रोदय के बाद ही फलाहार कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखना चाहिए और फिर उसके बाद अगस्त में जो भाद्रपद में जो चतुर्थी पड़ती है उसमें बूंदी के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, वहीं जो जनवरी में संकष्टी चतुर्थी पड़ती है उसमें तिल और गुड़ चढ़ाया जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि बेसन के बूंदी के लड्डू या बूंदी चढ़ाई जाती है विशेष रूप से। एक पान का पत्ता लें और उसमें बूंदी रख के चढ़ाएँ। गणेश जी को लाल रंग का वस्त्र चढ़ाएँ, कोई भी वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं। पूजा करते समय ध्यान रखें कि जो भी आपने वस्त्र पहना है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और हो सके तो नया वस्त्र पहनकर ही आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद आप फल फूल चढ़ाएं, आरती करें और गणेश जी की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद हवन करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद आप थोड़ा सा हवन ज़रूर करें। तो इस तरह से बूंदी ज़रूर चढ़ाई जाती है संकष्टी चतुर्थी के दिन। माँ गौरी को सिंदूर चढ़ाएं, पूजा अर्चना के बाद कथा सुनें और उसके बाद हवन जरूर करें। हवन में आप 4 बार हवन सामग्री डालें इस तरह से, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः करते हुए भगवान को याद करते हुए हवन करें। उसके बाद हवन को आर्च में नहीं दें। जो भी फल फूल या मीठी चीज आप भगवान को भोग चढ़ाना चाहते हैं आप ज़रूर चढ़ाएं। और पूजा करने के बाद आप चंद्रोदय होने पर चंद्र भगवान को अर्घ जरूर दें। भगवान को जो भी प्रसाद या भोग लगाएं, जैसे कोई फल चढ़ाएं तो 4 की मात्रा में चढ़ाएं, क्योंकि चौथ है और हो सके तो 4 बाती बनाकर उससे आरती करें। फिर उसके बाद चंद्र भगवान की आरती करें, चंद्र भगवान को फूल अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें और उसके बाद चंद्र भगवान को 4 बार चक्कर लगाते हुए जल अर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा और शमी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। लड्डुओं का भोग लगाएं, बेसन के लड्डू या मैंने बताया है बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं।
तो ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि, जो कि बहुला चौथ वाले दिन ही रहती है। बहुला चौथ की पूजा गोधुली बेला में की जाती है, जिसका मैंने मुहूर्त बताया। चंद्र भगवान को अर्घ देने के बाद भगवान को प्रणाम करें, सिंदूर लें और उसके बाद ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद के लिए दक्षिणा ज़रूर निकाल दें। बहुला चतुर्थी के दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, फिर अपने गायों के साथ साथ बछड़ों को नहलाते हैं, उनके लिए छप्पर बनाते हैं। बहुला चतुर्थी के दिन भक्त गाय और बछड़े की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनका मंत्र का उच्चारण करते हैं। जो व्रत करता है वो भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की मूर्तियाँ या चित्र की पूजा करके घर पर प्रार्थना करते हैं, धूप फल फूल चंदन का उपयोग करते हैं। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और चाकू का कटा हुआ नहीं खाते हैं और गेहूं का बना हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ वह नहीं ग्रहण करते हैं। अगर आपके पास कोई गाय नहीं है तो आप गाय और बछड़े की तस्वीर बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं, भगवान विष्णु और कृष्ण की प्रार्थना कर सकते हैं। संध्या के समय गोधुली पूजा का मुहूर्त जो मैंने बताया है, उस समय भक्त बछड़ों और गायों की पूजा करते हैं, जिसे गोधुली पूजा कहा जाता है। तो इस तरह से बहुला चतुर्थी का व्रत रहा जाता है। जो लोग गणेश जी की पूजा करते हैं वो संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।